आलोक जी, आपने जानबूझकर ये खेला करा है। ये खेला इसलिए करा है क्योंकि आपको कांग्रेस को नीचा दिखाना था, इंडिया की टूट दिखानी थी, इसीलिए आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को जानबूझकर नहीं बुलाया। आपका जवाब, ये कांग्रेस का आरोप है और कांग्रेस की बातें भी निकलकर सामने आई। देखिए, कल भी कांग्रेस वीडियो पोस्ट कर रही थी, आरोप लगा रही थी। कल भी हमने कहा था कि आज हमारे घर में फंक्शन है, जब घर में मेहमान आए हुए हों तो अपने घर की बुराई नहीं करती है। हम तो इन्हें अपने घर का ही मानते हैं, देश का मानते हैं। ये हमारी समस्या नहीं है कि अपने आप को इस देश का नहीं मानते हैं। कि श्रीमान राहुल गांधी जी अभी ब्रसल्स में यूरोप में दौरा करते हुए फिर से उन्होंने अच्छे अच्छे बोल वचन निकाले, तो अब जवाब सुनने का इनको समय आ गया। जेपी नड्डा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या उनको न्योता दिया गया था? चिराग पासवान हमारे गठबंधन में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी के हैं, क्या उनको न्योता दिया गया था? क्या इस देश के किसी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्योता गया था? सारे चीफ मिनिस्टर्स को न्योता गया था, कांग्रेस के सुक्खू आए, बाकी चीफ मिनिस्टर्स क्यों नहीं आए? किसी को एयर स्पेस खाली नहीं मिल रहा था गृह मंत्रालय के नोटिस के बाद? तो किसी का कार्यक्रम लगा हुआ था कर्नाटक में? देश के गौरव, देश के राष्ट्रीय सम्मान, देश के जहां प्रतिष्ठा बढ़े, अगर वहां पर आप शिरकत नहीं करना चाहते हैं तो यह आपकी समस्या है, यह हमारी समस्या है या देश की समस्या नहीं। जब देश में मेहमान आए हुए हों तो उस वक्त आप वीडियो पोस्ट करें कि यहां पे दिल्ली में कुत्ते को पकड़ा जा रहा है, राहुल गांधी ट्वीट करें कि बेजुबान जानवरों की आवाज दबाई जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन उसी बेजुबान जानवर को काट के और उसका मटन बनाते हैं राहुल गांधी के साथ, तो उस वक्त बेजुबान जानवर याद नहीं आता राहुल गांधी को? अरे मतलब लिमिट होती है दोगला पंक्ति की बात करने की। इनको शर्म आती है? कम से कम अपने INDI गठबंधन के लोगों से ही सीख लेते, जो हमारे क्रिटिक हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्टालिन हो। स्टालिन ने तो अभी सनातन का विरोध किया, सब कुछ किया, लेकिन जब देश की बात आई तो आए कि नहीं शामिल होने? वो भी कड़नी काट सकते थे, हमारा उनसे विरोध है, लेकिन देश के मुद्दे पे कम से कम तो विरोध छोड़िए। हमारा विरोध करते करते देश विरोधी कब बन जाता है समझ में नहीं आता है। यूरोप में जाके कहते हैं कि 20 करोड़ देशवासी खतरे में रह रहे, सिख भी यहां सुरक्षित नहीं है। कौन ये बात बोल रहा है? राहुल गांधी। सिख नरसंहार करने वाली कांग्रेस, राजीव गांधी के पुत्र, कांग्रेस पार्टी के जनक, ये कह रहे हैं कि सिख इस देश में सुरक्षित नहीं है। अरे सिखों की तो बद्दुआ आपको लगी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जो 1984 में सिखों की हत्या के बदौलत 414 थी, आज घट के 52 पे आ गई। ये सिखों की बात करते हैं, इनकी हर बात में विरोधाभास है दीपक जी, हर बात में विरोधाभास है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूं, मेरे पास कई सवाल हैं और मैं चाहता हूं फर्स्ट रिएक्शन के बाद टाइमर लगा लिया जाए 90 सेकंड्स का। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करता हूं। अभय दुबे जी, आपने देश की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया है, ये आरोप अजय आलोक जी लगा रहे हैं। आपने सुक्खू जी को सिंबॉलिक तौर पर भेज दिया, बाकी मुख्यमंत्री बहाना बनाते रहे, ऐसा क्यों अभय दुबे जी? देखिए दीपक चौरसिया जी, हम हतप्रभ बिल्कुल नहीं है। जो सत्ता के नशे में डूबी हुई अहंकारी सरकार भारत के महामहिम राष्ट्रपति को निमंत्रित नहीं करे नए सदन के उद्घाटन में, उनसे अपेक्षा क्या कर सकते हैं? सदन के बाहर लिखा हुआ है जो ये वक्तव्य दे रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का मूल मंत्र, उदार चरिता नाम तू वसुधेव कुटुंबकम, उदार चरित्र के लोग पूरी वसुधा को कुटुंब मानते हैं, और आप अपने ही लोगों को, खड़गे साहब नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, अगर आमंत्रित कर लेते तो क्या आपका मान घट जाता? आज मेरा सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री जी जो इतना अपनापन और प्यार दिखा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में बुरी तरह धोसी की जो हार हुई है उससे भयाक्रांत हैं। अब इनको इस बात का आभास हो गया है कि 24 में इनकी सरकार आने वाली नहीं है। ये सिर्फ प्रतिपक्षी दलों के साथ ही दुर्व्यवहार नहीं किया, G20 है क्यों? G20 का प्लेटफॉर्म इसलिए बना है कि वो क्लाइमेट चेंज पर चर्चा करे, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा करे, वो जियोपॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक की तरफ डाइवर्ट हो गया। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से छोटी छोटी तीन चार बातें। प्रधानमंत्री जी ये बताइए, अमेरिका GSP से बाहर हो गया, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसमें 1000 आइटम हम एक्सपोर्ट किया करते थे अमेरिका को, क्योंकि वो हमारा ट्रेड प्लस पार्टनर था, और उसने आरोप लगा के ट्रंप साहब के समय आरोप लगाया उसने कि भारत हमारी अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात कर रहा है, इसलिए हम अब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को अलाउ नहीं करेंगे। ये कहते रहे कि नहीं, हम कन्विंस करा लेंगे, हम मना लेंगे। प्रधानमंत्री जी जब ट्रंप से गले मिले थे उसी दिन उन्होंने निर्णय ले लिया था। प्रधानमंत्री जी, अमेरिका पेरिस कन्वेंशन से बाहर हुआ, क्लाइमेट चेंज के भारत को नुकसान हुआ, क्या आपने बात की इस संदर्भ में? आपने कोई चर्चा नहीं। प्रधानमंत्री जी,
भारत के जो क्लाइमेट चेंज के जो हित हैं, आपने बायोडायवर्सिटी एक्ट को डाइल्यूट कर दिया, आपने एनवायरमेंटल कमिटी जो सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम करती थी, एम्पावर्ड कमिटी, उसको मंत्रिमंडल के अधीन करके भारत के पर्यावरण के हितों पर कुठाराघात किया। जब आपने आदिवासी आयोग ने आपकी इस बात की खिलाफत की कि आपने ग्राम सभा की जो अनुमति होती थी, जो कि आप फॉरेस्ट लैंड एक्वायर करते थे उसमें ग्राम सभा की अनुमति होती थी, उसके क्लॉज को खत्म कर दिया, तो क्लाइमेट चेंज को भी आपने बहुत एडवर्सली अफेक्ट किया। आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, मुझे याद है दीपक चौरसिया जी ने बहुत डिबेट इस बात पर की थी 2014 में। प्रधानमंत्री जी ने G20 के 2014 जब पहला कन्वेंशन में आपने रिप्रेजेंट किया था, तो ये कहा था कि हमने काले धन की सूचना स्वतः ही देश आपस में एक दूसरे को हस्तांतरित करेंगे, कर चोरी की जो जानकारी वो हस्तांतरित करेंगे। 2018 से आखिरी बात आज मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अडानी जी पर इतना गंभीर आरोप है स्टॉक मैनिपुलेशन का, यूएई, साइप्रस जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, और चांगचुंग लिंग एक जो चॉपर स्कैम में आरोपी था जिसमें चार शीट में से आपने नाम हटा दिया, वो इलारा जो डूबीएस कंपनी है जो स्ट्रेटेजिक एरिया में, डिफेंस के एरिया में अडानी जी के भाई के साथ काम करती, इतने गंभीर आरोप, ठीक है, लेकिन आपने इस प्लेटफॉर्म को शुद्ध राजनीति का प्लेटफॉर्म बताया, और इंडिया और भारत की लड़ाई ऐसे समय जब विश्व के सारे देश हमारे साथ थे, और भागवत जी का वो वक्तव्य कि अखंड भारत, तो जो देशों को हमने आमंत्रित किया था उनको भी कब्जाने की ये बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से इनको करना चाहिए। अगर समूचे देश को एक मानते हैं तो ऐसा व्यवहार सब प्रतिपक्षी दलों के साथ। 90 सेकंड का टाइमर प्लीज, 90 सेकंड का टाइमर प्लीज। और अबे भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आप आगे आएंगे या बहुत जोर से बोलेंगे आपकी आवाज खत्म हो जाएगी, ये एक तकनीकी समस्या है, इसलिए मैंने पहले बता दिया। अजय आलोक जी, आपका जवाब, ये गढ़ा है आपने, सिर्फ मल्लिकार्जुन को नख बुलाने के लिए आपने तर्क गढ़ दिया कि जेपी नड्डा जी को नहीं बुलाया, यही तो इनका कहना है कि जानबूझकर इंडिया में आपको खेला करना था, फूट दिखानी थी। देखिए दीपक जी, अभी अभय जी ने जितनी बातें कही और मैंने जितने सवाल उठाए थे, चाहे वो राहुल गांधी के विदेश दौरे पे जो जो उन्होंने बयान दिए हैं, चाहे इनके G20 के सम्मेलन के दौरान घटिया घटिया वीडियो जारी करने के बारे में, चाहे इनके G20 के बारे में इनके प्रवक्ताओं द्वारा बकवास करने के बारे में जो ताकि विश्व के सामने हमारी छवि खराब हो सके, चाहे G20 के बारे में राहुल गांधी के बारे क्या क्या विचार निकले हैं, चीन के बारे में क्या क्या विचार निकले, एक भी सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये बेतुके सिर पैर की बातें बोलते रहे कि ग्रीन ग्रीन की प्रधानमंत्री बात नहीं की, क्लाइमेट चेंज की बात नहीं की। चुना हुआ बहरापन, अचुरा हुआ अंधापन रहता है ना, तो आदमी को पता नहीं चलता है, दो दिन से टीवी लगता है नहीं देखना है। फर्स्ट सेशन क्या था, वन अर्थ में क्या बात हुई है, सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात हुई है जिसमें सारे देशों ने अपने कमिटमेंट दिखाई है, लेकिन सुनना तो है नहीं, प्रधानमंत्री की अच्छी बात कहां से सुनेंगे। सारे राष्ट्राध्यक्ष, पूरा विश्व तारीफ कर रहा है भारत की और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की, वो बात हजम कैसे होगी। अरे विदेशी मेहमान आए हुए थे, वहां भी नाराज फूफा की तरह बिहेव करते रहे, कुछ तो शर्म कीजिए। बेच के शर्म खा गए, इनविटेशन नहीं दिया तो ये नहीं दिया वो नहीं दिया, जिसको इनवाइट किया था वो तो आए ही नहीं, आपने तो अपॉर्चुनिटी मिस की है, आपने अपॉर्चुनिटी मिस की है। और आप कौन सा अपना INDIA गठबंधन कहते हैं, विपक्षी गठबंधन, विपक्ष पक्षी हैं आप लोग, कहां से गठबंधन हो जाएगा भाई। कांग्रेस इतनी बड़ी गिद्ध है, गिद्ध के साथ कैसे तोता मैना बाकी के लोग रहेंगे। आपको तो कुछ मांस वास नहीं मिलेगा ना, मरा हुआ जो खोजते रहते हैं आप लोग, तो आप लोग तो साथी लोगों को नोच के खा जाएंगे, कहां से कोई आपके साथ रहेगा। अबे दुबे जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल, हर क्षेत्रीय दल को नोचने के लिए तैयार रहते हैं, उसके बाद इंडी गठबंधन।